गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चलेंगे एक हैंगिंग ब्रिज देखने के लिए जो अलकनंदा रिवर के ऊपर बना है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। एक और दिन, आज थोड़ा क्लाउडी है जैसे कि कल था, और एक नई जगह मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए जो यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। और ये वो जगह है जहाँ मैं आजकल रुका हूँ, मालूम है ना आपको। ये है एक और गाँव इस पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ, NH-7 के एकदम नज़दीक। ये रास्ता है जो इस गांव को जोड़ता है NH-7 के साथ। इस गांव का नाम है विजयनगर द्रोणागिरी। बद्रीनाथ, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहब की तरफ जाते हुए हाईवे के नज़दीक जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिवर आपको नज़र आती है, वो रिवर है रिवर अलकनंदा। और ये है खूबसूरत नज़ारे जो आप इंजॉय करते हैं NH-7 के साथ। देखिए, पुराने टाइम का घर सड़क के किनारे पर। मैं इस गांव में अभी पहुंचा हूं। रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लीजिए, 2 किलोमीटर हाईवे पर चल के फिर मैं नीचे उतर रहा हूं यहां इस वक्त। और ये वो जगह है जो अलकनंदा रिवर के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बना है, वो जो आप देखते हैं ना जैसे लक्ष्मण झूला है, बिल्कुल वैसा ही। और मैं जाके उस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करने वाला हूँ। तो ये है प्लान। तो चलिए मिलते हैं सस्पेंशन ब्रिज पर थोड़ी देर में। दोस्तों, चलता हुआ पहुंच चुका हूं इस पुल के ऊपर। ये एक सस्पेंशन पुल की तरह है और इसका चलने का अनुभव भी बिल्कुल वैसा ही है। और पहुंच गया मैं अलकनंदा रिवर के एकदम ऊपर। पानी की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, शानदार है ना। देखिए किस तरह का है नज़ारा अलकनंदा नदी का। बंदर उछल कूद कर रहे हैं यहाँ पर हर तरफ। ओह गॉडनेस, ये कैमरा है दोस्त। कैमरा मतलब किस लिए? रिकॉर्ड करने के लिए। अब मैं सेंटर में पहुंच गया हूं। यहां पर ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, ये सस्पेंशन अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब हाइट इसकी मुझसे कम है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वहां से वायर शुरू हुआ और इस तरफ तक आया है। आई एम लविंग इट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक बाइक आ रही है सामने, ये मुझे अभी क्रॉस करके निकलेगी। मुझे आप देख पा रहे हैं नाइस। ओ, अलकनंदा नदी के ऊपर से चलता हुआ मैं अब पहुंच चुका हूं पुल के दूसरे किनारे पर। एक जगह आती है जब वायर का लेवल मेरे शोल्डर से भी नीचे था, और ये दूसरी जगह जहां वायर्स वापस ऊपर खड़े हुए पोल्स की तरफ कनेक्ट हो रही है। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पाएंगे कि किस तरह से ये पुल से मैं बाहर निकलूंगा और कैसे दिखेंगे आपको ये खड़े हुए दोनों टावर्स जिसके ऊपर ये सस्पेंशन ब्रिज बना है या लगाया गया है। ये देखिए, इस पुल को पार करके मैं बाहर आ चुका हूँ। आपने नोटिस किया, ये है सस्पेंशन ब्रिज। लुक एट द हाइट। ऐसी जगह आके मेरा दिल खुश हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। आप देखिए मेरे बैकग्राउंड पर पूरा सस्पेंशन ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा, और ये अलकनंदा नदी के पानी की बहती हुई आवाज़, और हर तरफ मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहे होंगे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और ये है अलकनंदा रिवर, ब्यूटीफुल प्लेस, खूबसूरत। चलिए एक लो एंगल शॉट में आपको पुल का दिखाता हूँ कैसा लगेगा।
ये छोटू उस्ताद पीछे रह गया। लीजिए घोड़े को हमने भेज दिया। घोड़े भाई साहब जाओ अपने सब साथियों के साथ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अलकनंदा रिवर में और ये बह रही है नदी मेरे इस तरफ और ये है वो ब्रिज जो आप देख रहे हैं। इसी ब्रिज के लिए मैं चल के आज यहाँ पहुँचा था और मेरे बैकग्राउंड में ये ब्रिज वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक शानदार जगह है। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आ रही है। थोड़ी देर में यहाँ बैठने वाला हूँ और इन्जॉय करने वाला हूँ। लीजिए थोड़ी देर अलकनंदा के किनारे बैठकर बहते हुए पानी की आवाज़ को सुन के शांत चित्त के साथ अब मैं वापस आ गया हूँ। एक बार फिर से मैं पुल पर पहुँच चुका हूँ और वापसी है यहाँ से अपने होटल तक जाने के लिए। जब मैं चलता हूँ मेरे हर कदम के साथ चूँ चूँ की आवाज़ें करता है वो। ये सबसे खूबसूरत नज़ारा है पुल का, आपको इसको देखना चाहिए। ये देखिए ये सबसे प्यारा व्यू है। तारे एकदम नीचे लेवल पर हैं। तुम्हारा घोड़ा आ गया था? पीछे क्यों रुक जाता है वो छोटा है सबसे। सबसे बड़ा है तब भी पीछे रुकता है। व्यू देखिए आप, इस पुल से नज़ारा आप देखिए कितना अच्छा लगता है। मैं जानता नहीं ये आपको कैमरा दिखा पाएगा हिलता हुआ या नहीं। ये सीक्वेंस में एक सीरियल उसमें ऐसे ऊपर नीचे हिल रहा है, एक तरफ इधर हिलता है एक तरफ इधर हिलता है। निकल आया हूँ बाहर और यहाँ आकर के ये जर्नी इस खूबसूरत सी जगह पर कंप्लीट होती है। आप मेरे को दे दो जो है खाने के लिए, छोड़ जो भी आप कह रहे हो ना वही दे दो। हाँ वो दे दो। छोले चाय लोग खाते हैं अलग से? अच्छा तो आएंगे जैसे मैं खा रहा हूँ छोले और चाय वैसे ही खाएंगे? बहुत बढ़िया, मैं पहली बार खा रही हूँ, पूछ लूँ कि साथ में कुछ मैं तो पहली बार ही खा रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक। प्रॉपर काले छोले की सब्जी है ये? हाँ एकदम। हाँ हाँ चना है वो। काले चने। हाँ पानी थैंक यू जी। और ये है गर्मा गर्म चाय। हाँ जी हाँ जी। तो आप आराम से पहले छोले लीजिए, आराम से चाय पीजिए, आराम से मजा आएगा। बिल्कुल आनंद ही आ रहा है, बहुत स्वाद लग रहा है मेरे को तो। इसमें असल असल का है कि ये जो है भोटिया, ये लोग हैं द्रोणागिरी पे। द्रोणागिरी? द्रोणागिरी रहते ये लोग। ये द्रोणागिरी किस जगह का नाम है? द्रोणागिरी सर विजयनगर द्रोणागिरी नहीं, विजयनगर तो ये पीछे है इधर। ये द्रोणागिरी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चमोली में गए तो चमोली से दो रोड पड़ती है, एक जो आप गोपेश्वर के लिए, एक जोशीमठ के लिए। फिर जोशीमठ से आपको जो है दो रोड मिलेगी, तो एक चलेगा नित्य मिलाने के लिए और एक चलेगा बद्रीनाथ के लिए। तो जो ये मसाला इसमें पड़ रखा है ये नित्य का मसाला पड़ रखा है इसमें। नित्य नित्य मलारी जो रास्ता है द्रोणागिरी
अच्छा, तो ये वहीं के रहने वाले हैं क्या? ये वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। छह महीने यहाँ रहते हैं, छह महीने वहाँ रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये जड़ी बूटियों का मसाला होता है, जंगल में जड़ी बूटी होती है तो उसका मसाला होता है। जड़ी बूटियों का मसाला? जी जी जी। इसमें जो डला है? हाँ, जो इसमें डला है वो जड़ी बूटियों का मसाला डला है। अच्छा, इसीलिए उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग अच्छी आ रही है। जैसे हम बाजार का माँ वो डालते हैं तो उसमें वो पता क्या 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 डाल देते हैं तो अजीब टाइप हो जाता है। अच्छा, स्वाद अच्छा था वो भी, पर जैसा इसमें हो रहा वैसा उसमें नहीं है। ये चीज़ है, ये बात है। बहुत बढ़िया, आपने एक नई चीज़ बता दी हमें जी। थैंक यू। अरे बोलेंगे, आप बैठिए, पानी पीजिए जी, फिर उस वक्त उनसे थोड़ा बात भी करेंगे, भाई आप कहाँ से आए, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारे गढ़वाल में ऐसा ही, ये परंपरा है हमारी। हाँ, सही कह रहे हो। लो जी, चाय पी ली, चने खा लिए, डॉग को बिस्किट भी खिला दिए, अब वापस चल निकला हूँ मैं। कितने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, बिच्छू बूटी इतनी लगी है, बंदर बैठा हुआ है, यहाँ का स्कूल है। डर गया, डर के भागा। मैं पहुँच चुका हूँ सड़क पे, यहाँ आकर के जर्नी ख़त्म है, अब बस हाईवे से चल के अपने होटल तक पहुँचना है। नथिंग मच टू डू। सो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और आपको घुमाता रहूँगा इसी तरह की और भी खूबसूरत जगहों पर। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए।